वैसा इंसान थे मुख्तार अंसारी कि जो मुर्दिया बोलता है कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना मुख्तार का था, उसको हार्ट अटैक नहीं होता था, कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। मुख्तार अंसारी मुसलमान है तो कुछ लोग बहुत खुश हैं, अतीक अहमद पर बहुत लोग खुश थे। जब उनका नंबर आएगा, आप यादव हैं, आप ही सोचिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतने 75 जिले का मुख्यमंत्री, और उनकी सत्ता जाते ही गंगा जल से पूरे उनके आवास को धुलवाया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनी ग्रेटर, मैं हूं आपका सनी। इस वक्त मैं हूं गाजीपुर में। आपको पता होगा पिछली रात मुख्तार अंसारी, जिनकी तबीयत बताया जा रहा हार्ट अटैक की वजह से, उनकी मेडिकल में ही मतलब निधन हो गया। ऐसे में अभी मैं हूँ अफजाल अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के जो भाई है उनके घर पे। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप तमाम लोग हैं, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा दूर से दिखाइएगा, ऊपर से उठा के कैमरा में दिखाएं। मैं अभी उनके घर पे हूँ और जैसा कि बता दूँ आपको, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनके अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, और मैं थोड़ा सा कुछ लोगों से बात करूँगा। चाचा इधर आ जाए। कब पता चला चाचा ये? हम नहीं सुनते बाबू। आप नहीं जानते हैं? चाचा को बताइए, आइए थोड़ा सा हम आपको आगे दिखाते हैं क्या। और ये देखिए, ये अफजाल अंसारी का घर है और मुख्तार अंसारी के देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पे दूर से आए हैं। और आइए हम बात करते हैं इस बार। देखिए, जो पॉइजन की 19 तारीख से जो शोर है और वही बार बार रिपोर्ट के हिसाब से, तो जो ये इलाके की जनता है उनके दिमाग में यही घुमा है कि उनको पॉइजन दिया गया है। अब ये सच्चाई कहाँ तक है, इसको जनता के दिमाग में से बहुत टाइम लगेगा इस बात को निकालने में, जो कि जनता के दिमाग में घुस चुका है कि नहीं उनको जहर दिया गया है। मीडिया वालों को निकालना है, क्योंकि मीडिया से ही ये अफवाह, इसके लोग ही निकाल पाएंगे कि कहाँ से अफवाह चली है, कि वो सत्य है। सच्चाई इसको मीडिया ही खोज के लाएगी। ये हम लोग मौके पर हैं नहीं, पहले दिन बीमार पड़ते हैं, उनके परिवार के लोग जाते हैं, फिर मीडिया वार्ता करते हैं, वहाँ मीडिया वार्ता में उनके परिवार के लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि हमको 19 तारीख को जहर दिया गया है, हल्का पॉइजन दिया गया है। तो मीडिया के सामने उनके परिवार के, उनके बड़े भाई, उनका लड़का खुद चिल्ला के कह रहा है, तो आम जनता अब के कहने में अब क्या है। अभी सच्चाई है, सरकार इसकी न्यायिक जाँच कराए, अगर दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, और अगर न्यायिक जाँच किसी रिटायर्ड जज से नहीं होगी तो सरकार घेरा में हमेशा रहेगी, जो कि सरकार की मुखिया की भाषा है, उस भाषे के हिसाब से उनके डिप्टी सीएमओ का जो भाषा है, तो उस हिसाब से ये लोग हमेशा शक के दायरे में रहेंगे। इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। ये अपने से जितना ये लोग 100 नंबर ले लें, 500 नंबर ले लें, मगर जो जनता है उसके दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि ये लोगों ने जहर दिया है, इसको न्यायिक जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी सरकार करे। एक बार जब हुई थी घटनाएं, उनकी तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल हुई, फिर उनको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनको फिर दोबारा जेल में डाल ये देखिए कि उनको तुरंत जेल में ले जाते हैं और तुरंत सामने को फिर कहा कि ठीक है हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। हमारा कहने को तो कोई मामूली सा तो मैटर रहा नहीं होगा, तबीयत ज़्यादा रही होगी तो उसके बाद उनको कायदे से इलाज कराना चाहिए था, कहीं और दूसरी हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए था। उनको लेकर वहाँ चले गए, ले जाकर डाल दिए, वहाँ सिंगल वो हैं, प्रशासन है। उससे पहले 1-4 दिन पहले वहाँ के जेलर, डिप्टी जेलर को हटाया गया, ये तो सब जान रहा है कि हटाया गया लापरवाही में। किस चीज़ की लापरवाही, उसका खुलासा होना चाहिए, क्या वो लोग लापरवाही कर रहे थे। नए पूरा वहाँ का प्रशासन नियुक्त किया गया इन सब के वजह से सरकार प्रशासन वहाँ का सबके दायरे में। कुछ महीनों पहले आप लगभग साल भर की घटना है, अतीक अहमद के साथ भी ऐसे हुआ, उनको मेडिकल जांच कराने के लिए गए तो कुछ आए मतलब बने दोने पत्रकार उनको ऐसे, तो अगर शासन प्रशासन किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, परिवार को मिलने नहीं दे रहे हैं, क्या इसमें कहा जाए। परिवार के लोग जाते मिलते, कुछ बात होती, कुछ बताते, वो देख लेते, उनको तसल्ली हो जाती कि नहीं बीमार हैं, कोई इसी बात नहीं है। आप सोचिए कि इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा आदमी है, अभी तक किसी का कोई सरकारी मशीनरी का कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं किया गया, क्या मतलब है? 5 बार को विधायक रहा है, ये इन सब जो प्रकरण हुआ,
इन सब में क्या लगता है कोई साजिश रची गई? भाई अब साजिश का खुलासा इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि कोई न्यायिक जांच कराए, किसी रिटायर्ड जज से जांच करा के इसको दूध का दूध पानी का पानी करे, जो को बदनामी शक का दायरा है उसको पर्दा उठाया जाए, हम लोग के भी समझ में आए कि नहीं इसमें सच्चाई क्या है। चैनल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चैनल कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसी में सब तो सुन रहा है आदमी, क्या बताया जाए। क्या लगता है इसमें साजिश रची गई है? आप चैनल चला रहे हैं, आपके क्या समझ में आ रहा है? हम ही जो अच्छा खिस्सा इंसान, उतना कलेजा का मजबूत इंसान, 5000 पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को चाहे खोजिएगा तो शायद कोई उतना बड़ा कलेजा का इंसान मिले जितना कलेजा वैसा इंसान थे मुख्तार अंसारी, जो मुर्दिया बोलता है कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना मुख्तार का था, उसको हार्ट अटैक नहीं होता था, कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है, बस इतना ही समझ लीजिए, बाकी क्या बता। दो दिन रोज पहले आप बांदा में जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद कहते हैं कि पूरी चीज़ नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है, आज दो दिन के बाद फिर कैसे हार्ट अटैक हो जाता है जब हर चीज़ नॉर्मल निकली है तो? या तो कोई बहुत बड़ा प्रेशर दिया गया है उनके ऊपर, ये सब शक्केदारी है। हम तो यही कहेंगे, सरकार से मांग मेरी है कि आप इसको दूध का दूध पानी का पानी करिए, न्यायिक जांच कराइए, करा के इसको बताइए। लोकतंत्र का हनन हो रहा है और ये आपको महसूस नहीं है? पुलिस ही के गाड़ी में व्यापारी को मार दिया जाता है, होटल में व्यापारी को पत्नी सहित उड़ा दिया जाता है, बुलडोजर घरों में माँ बेटी को रख के जला दिया जाता है, जेल में एक कैदी बांध के उसको गोलियों से भून दिया जाता है, बदले में क्या कहा जाता है? उसको जो मारने वाले थे वो माइंडली डिस्टर्ब थे। अब बताइए ये क्या है? आपके नज़र में सभी लोग माफिया गुंडा हैं, आप ही एक संत हैं, है ना संत? अब संत हैं तो जो आपके पिछले मुकदमा आप पर है वो खुलवाइए और चलवाइए, तब ना होगा सबका साथ सबका विकास। भैया जिनकी कुंडली क्रिमिनल लिस्ट से बनी है वो दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं तो खुद अपने ही पे कीचड़ उछालते हैं। समय होता है, समय बदलता है, उनकी भी कुंडलियाँ खुलेंगी, वो भी उसी जगह पे जाएंगे जहाँ वो दूसरों को भेजते हैं। दुनिया में माफिया की बात देखिए, 28 माफियाओं की लिस्ट निकली थी ना, अब जानते हैं कुछ नाम जानते हैं, उसको बोला गया था ना सब माफिया मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक बताइए कि जनरल कैटेगरी से कोई माफिया मरा है? या तो मरे, चमार मरे, मुसलमान मरा है, जनरल कैटेगरी से बताइए मरा है कोई, बताइए। इतनी रखते हैं जब नज़र रखते हैं, देख देख के काम किया जा रहा है सब, देख टोटली क्या है। कुलदीप सेंगर क्या था, बलात्कार भी किया, उड़ा भी दिया उसके पूरे परिवार को, उसकी पैरवी कौन करती है? उत्तर प्रदेश सरकार। क्या आपको लग रहा है लोकतंत्र है? बोलिए, लोकतंत्र की हत्या की? अरे पूरा हत्या हो ही गया, कि कर क्या रही है, हो रही है, हो गया। पूर्वांचल का जो छठा पिलर थे हमारे माननीय विधायक जी, उखाड़ दिया गया उनको, अब कोई बचा नहीं है गरीबों का सुनने के लिए, अब गरीब दबे कुचले मसले जाएंगे। और सुनिए आप लोग, चौथा स्तंभ बोले जाते हैं, लेकिन जब जुर्म का उन लोगों का अध्याय शुरू होगा ना तो आप लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। 92 का वो मंजर याद कर लीजिए, जब दरवाजे ठोक ठोक के कहा जाता था वोट में देने मत जाइएगा, वही हाल होने वाला है। मुख्तार अंसारी मुसलमान है तो कुछ लोग बहुत खुश हैं, अति के मत पर बहुत लोग खुश थे, जब उनका नंबर आएगा, आप यादव हैं, आप ही सोचिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतने 75 जिले का मुख्यमंत्री, और उनकी सत्ता जाते ही गंगा जल से पूरे उनके आवास को धुलवाया गया, अब बताइए। और कुछ यादव हैं फेसबुक लिखते हैं जय श्री राम मैं हिंदू हूँ, अरे सर माने चाहिए भाई, तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमानों को देख के सीना तान रहे हो, लेकिन फट तो तुम्हारी भी रही है, बताइए। डर बना हुआ है, इतना कुछ हो गया, अखिलेश यादव को प्रमाण देना पड़ा शैतान है। मैं OBC का हिंदू हूँ, पिछड़ी बिरादरी का OBC हूँ,
राहुल गांधी ब्राह्मण है, उनको जनेऊ दिखाना पड़ता है। बारे सिस्टम बारे सर। अच्छा, अभी डेड बॉडी निकल चुकी है कभी टाइम उस मामले में? मतलब वहाँ जो गए हैं वही ना बताएंगे। हाँ, वो सांसद जी बताएंगे, वो अभी वहाँ से कोई सूचना नहीं है हम लोगों को। जहाँ आप है वहाँ हम हैं। आपने देखी मेरी रिपोर्ट थी जो मुख्तार अंसारी के घर पे, और तमाम लोगों से मैंने बात की, गांव के लोगों से, परिवार, बगल के पड़ोसी, उन्होंने सब ने बताया कि ये एक रंजिश है। और जैसा कि पेपर या तमाम मेडिकल में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें बताया गया कि हार्ट अटैक, जैसे हार्ट अटैक को बताया गया। लेकिन कुछ चर्चाएँ पिछले चल रही थी कुछ दिनों से कि उन्हें एक बार पहले जेल में भोजन में पॉइजन दिया गया, उसके बाद उनकी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ाई, फिर दूसरे कुछ दिन बाद उनको फिर 21 या 22 मार्च को फिर दोबारा पॉइजन दिया गया, जिससे उनकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ गई और उन्हें ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। उसके बाद वहाँ उनकी जाँच पड़ताल हुई, जहाँ उनकी तबीयत ज़्यादा गंभीर है, उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक मेडिकल कॉलेज में बोला हार्ट अटैक बीमारी है, और उनको वहाँ पर निधन हुआ। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक ले जाएँ जगह। धन्यवाद।